सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आप घर बैठे जो है किसी भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो का बैकग्राउंड का कलर कैसे आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें कि आपको बैकग्राउंड चेंज करके मांगा जाता है। ठीक है, जैसे अभी फिलहाल में रेलवे की वैकेंसी चल रही है, टेक्नीशियन, ALP और भी काफ़ी सारे वैकेंसीज अभी आने वाले भी है, तो रेलवे में एक रूल होता है कि बैकग्राउंड का जो कलर है वो वाइट होना चाहिए। ऐसे में देखिए दोस्तों, आप कैसे जो है अपना बैकग्राउंड का कलर वाइट कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक फ़ोटो है हमारे पास, इसका मैंने बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट कर रखा है। तो कैसे मैंने किया है वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है, बस आपको एक ऐप की ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो सिंपल सा, सबसे पहले आपको काम करना है कि सबसे पहले आपको जो है गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद यहाँ पर ये पिक्सेल लैब नाम का एक एप्लीकेशन है, इसको आपको सर्च करना है और यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ से सिंपली आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, ठीक है, आपका हो सकता है कि आप फ़ोन को जो पोर्ट्रेट मोड में यानी कि लंबा में करके देख रहे होंगे तो डिफरेंट इंटरफेस होगा, तो आप सिंपल सा लैंडस्केप में कर लीजिएगा ताकि सेम टू सेम जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसे ही आपका फ़ोन में भी दिखाई दे। तो सिंपल सा दोस्तों, यहाँ पर एक प्लस का एक आइकन होगा, यहाँ पर प्लस के आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर प्लस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ से ऑप्शन बोलेगा, काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें फ्रॉम गैलरी का एक ऑप्शन रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ से उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से जिस भी फ़ोटो का कलर आपको चेंज करना है उस फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं इस फोटो को चेंज करना चाहता हूँ, इस फोटो को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैं टिक वाले पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा फोटो यहाँ पे आ चुका है, रेडी हो चुका है। ठीक है, एक काम आपको करना है कि जो बैकग्राउंड का जो कलर है, जो भी आप बैकग्राउंड का कलर रखना चाहते हैं, जैसे अगर वाइट रखना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में ये जो आपका कलर दिखाई दे रहा है वाइट, ठीक है, ये आप बैकग्राउंड कैसे कीजिएगा वाइट, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये कॉर्नर में आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक बैकग्राउंड में आपको जो सबसे कोना में आपको दिखाई देगा ये, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर कलर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आप जो कलर है वो वाइट आप कर दीजिएगा, अगर वाइट बैकग्राउंड करना है तो वाइट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने वाइट कर लिया, अब यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। ठीक है, इस फोटो को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम अच्छे से इसमें सेटल कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फ़ोटो को एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, सेकंड नंबर में, ठीक है, यहाँ पर ये वाला ए के बगल में, तो इस पर एक बार क्लिक करना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन इरेज बैकग्राउंड, ठीक है, या इरेज कलर, यहाँ पे आपको मिलेगा इरेज कलर। इरेज कलर पे आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इनेबल पे क्लिक कर देना आपको यहाँ से। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से कलर पिक करना, तो कलर पिक करने के लिए ये वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कलर पिकर का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से जिस भी कलर में आप बैकग्राउंड को चेंज करना, जैसे ब्लू वाला को हटाना चाहते हो, मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से अपने फिंगर से टैप करके इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे ब्लू वाले पर बस ले जाइएगा, उसके बाद टिक पे आप क्लिक कर दीजिएगा। टिक पे क्लिक कीजिएगा, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है और जो मेरा पीछे वाला बैकग्राउंड था वाइट कलर का, वाइट कलर यहाँ पर हो चुका है। लेकिन दोस्तों देखिए, अभी भी कुछ कुछ आपको ब्लू कलर का मतलब जो बॉर्डर है उसमें आपको ब्लू ब्लू हल्का दिखाई दे रहा होगा। उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये टॉलरेंस आपको मिल रहा होगा दोस्तों, इस टॉलरेंस को आपको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। ठीक है, टॉलरेंस को इंक्रीज कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर जो वाइट वाला जो चीज़ है, सॉरी जो ब्लू वाला चीज़ है वो हट गया। ठीक है, तो अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ज़्यादा कीजिएगा तो देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ज़्यादा आपको नहीं करना है, बस हल्का सा करना है ताकि ये जो ब्लू ब्लू लाइन आ रहा था वो हट जाए। यहाँ से ये हो गया दोस्तों, यहाँ से इसको क्लिक कर दीजिएगा, बस हमारा काम पूरा हो चुका है। अब यहाँ से इस फोटो को हम लोग सेव करने के लिए सेव पे यहाँ पर ये एक ऑप्शन है, सेव पे हम लोग को क्लिक कर देना होगा दोस्तों। सेव पे क्लिक कीजिएगा, सेव एज इमेज का ऑप्शन मिलेगा, सेव एज इमेज पे क्लिक करके सेव टू गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। अब इस तरीके से हमारा जो है ये चेंज हो चुका है बैकग्राउंड। अब हम जाते हैं गैलरी में एंड गैलरी में देखेंगे कि क्या फोटो हमारा चेंज हुआ है कि नहीं। तो गैलरी में जाते हैं दोस्तों हम लोग, यहाँ पर ही हम लोग एल्बम में आ चुके हैं। यहाँ से ये जो फोटो था फ्रेंड्स, ये हमारा जो फुल्ली चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है, तो क्रॉप करने के लिए आप अपना जैसे क्रॉप कर सकते हैं वैसे आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको फ्रेम कर देता हूँ यहाँ से इस तरीके से। तो ये मैंने कर दिया, उसके बाद यहाँ से कर दिया और ये सेव कर दिया। तो देखिए प्रॉपर तरीके से जो हमारा बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है और वाइट हो चुका है। तो सेम प्रोसेस आपको भी करना है फ्रेंड्स, इस इजी मेथड से आप अपना फोटो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। ये आप किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने वाइट बताया उस तरीके से आप और भी कलर में चेंज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए आई होप कि आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।